नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस धरातल पर। जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो के टाइटल को, उसके शीर्षक को पढ़कर यह समझ या जान ही लिया होगा, इसका अनुमान लगा ही लिया होगा कि आज की हमारी इस वीडियो का जो कंटेंट होगा, जो विषय वस्तु होगी या जो उसकी सामग्री होगी, वह किस आधार चक्र, किस शीर्षक के इर्द गिर्द घूमेगी। तो इस वीडियो का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वह है इज दिस एन एंड ऑफ द जर्नी, क्या यह यात्रा का अंत है या अंतिम बिंदु है। तो यह जो यात्रा है, जिसके संबंध में मैं आपके समक्ष कुछ लम्हे, कुछ पल और उनके संबंध में कुछ विचार रखूंगा, वह है उन सहेजे समेटे गए लम्हों में से कुछ लम्हों के संबंध में, जो कि मैं कैप्चर कर सका था थ्रू माई स्मार्टफोन कैमरा एंड ऑल दोज मेमोरीज, ऑल दोज पिक्चर्स स्कॉट stored in my file explorer of this smartphone. So, उन्हीं pictures के आधार पर मैंने कुछ लिखा था, या बीते समय से जो भी कुछ बुन रहा था मस्तिष्क मेरा, वही आपके समक्ष मैं पिरोने जा रहा हूँ विचारों के आधार पर। तो शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। Is this an end of the journey? क्या यह अंत है इस यात्रा का? So I would like to assert over here that it's not an end of the journey, since each and every single journey once gets started is not ended. क्यों? Until and unless the walker is willing to adhere, to go ahead, to tread and take necessary turns, to have unique experiences, the journey is not ended. And in having those unique experiences, what's main and crucial thing? The main and crucial thing is the observational approach of the person, in which the person must be having those unique experiences while observing what came, what stayed, what changed and what went away. And most importantly, what made a person's existence much more existent and thus flourished. इसी के आधार पर मैं आगे बढ़ता हूँ। मोड़ पर पहुँच कर जब एहसास सा हुआ यात्रा के ही मोड़ हो जाने का, तो अंत है यही ये विचार घटा बनकर छाने सा लगा था। लेकिन जैसे ही मोड़ से आगे बढ़ा, तो दूर तलक देखने पर जो आसमान पहले जैसा मिलता सा नज़र आया था ना, वो नज़र सीमा के चलते ही था बस, नज़र सीमा के चलते ही था बस। तो देखने का एक कह सकते कि भ्रम, इल्यूजन या डिल्यूजन ही था बस, क्योंकि इस मोड़ की भांति ये भी यात्रा अंत था ही नहीं। ये जो साथी इस यात्रा के अलग अलग मोड़ पर मिले हैं, उनका स्थान हर एक अद्वितीय इंसान की भांति ही अद्भुत ही रहा है, जहाँ कुछ विशेष धाराएं भी यानी यात्रा भी, और चूंकि यात्रा है तो जाहिर है यात्री भी होंगे, तो यानी यात्री भी मेरी इस यात्रा की धारा का अहम हिस्सा हो गए हैं। इस साथ से मुझे उन सभी मुख्य हिस्सों को, अर्थात हमारे अनुभवों को, अभी तक की यात्रा के अनुसार सदा ही सहेजने योग्य वो क्षण प्रकृति हमें प्रदान करती ही रही है, और इसी तरह सदैव करती भी रहेगी, जो कि हर एक वर्तमान क्षण की अद्वितीयता की भांति ही अनोखे ही होंगे। ये शब्द उन पलों के कारण निर्मित किए गए हैं, ताकि मैं आप सभी के समक्ष उन सहेजे गए पलों में से कुछों को स्पष्ट कर सकूं, जो हिस्सा ए पोशिंदर यात्रा बने और वक्त के बीतने के साथ ही संयोजित होते यानी जुड़ते ही चले गए। जानता हूं मैं, जी हां जानता हूं मैं, ये यात्रा का अंतिम बिंदु तो कतई भी नहीं है, क्योंकि हो भी नहीं सकता किसी भी यात्रा का बिना इसके यात्री की मर्जी के ऐसे ही रुक जाना, यूं ही तरह से अंतिम बिंदु उसका बन जाना। सो मैं आगे बढ़ता चला, उन वैचारिक बदलियों को साथ लिए, जिनमें साथी, बंधु और सभी यात्रीजन के चित्र थे सजे हुए, मुस्कुराते, खिलखिलाते, अनोखी ही रूप रेखा में जो थे सिले हुए, साथ अपने अनेकों सतरंगी किरणों को लिए हुए, क्या है अर्थ यात्रा का इसके सार को भी समेटे हुए, जो नहीं है उपयोगी यात्रा पथ पर, जी हाँ जो नहीं है उपयोगी यात्रा पथ पर, उसको हटाते हुए, उसके संबंध में तटस्थ रहते हुए, यात्रा अनुभवों को सहेज कर चलते रहना ही मुख्य जीवन ध्येय है, इसको पोषित करते हुए, निरंतर इस सार की महत्ता को जीते हुए चलेगी यात्रा, ये यूं ही ऐसी समझ विकसित करते हुए, यूं ही चलते हुए, यूं ही चलते हुए, और बस यूं ही चलते और जीते हुए।
धन्यवाद सभी बंधुओं का जो इस यात्रा का हिस्सा बने और जो भावी यात्रा के अनेकों मोड़ों पर हिस्सा बनते रहेंगे।